वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो शुरू में हम बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक 2019 के मैचेस के बारे में, मतलब बात करने वाले हैं उन मैचों की प्रेडिक्शन के बारे में जो कि अभी कंफर्म हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सबको पता है कि WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू आ रहा है जिसका नाम है मनी इन द बैंक, और ये पेपर व्यू हमें देखने को मिलेगा 19 मई को। बात करते हैं मैच कार्ड और उनकी प्रेडिक्शन से। तो सबसे पहले मैच के बारे में बात करते हैं, और ये मैच यहाँ पर आता है बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। तो इस मैच में यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट करता हूँ शार्लेट फ्लेयर को कि वो यहाँ पर बेकी लिंच को हरा दें और बन जाए न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। और मैं बेकी लिंच के एक और मैच देखने को मिलेगा इस पेपर व्यू में। जी हाँ, बेकी लिंच इस पेपर व्यू में यहाँ पर दो मैच लड़ने वाली हैं, और दोनों मैच होंगे दोनों चैंपियनशिप्स के लिए। स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप तो हो गई, अभी रॉ वुमेन चैंपियनशिप बाकी है। तो मैच देखने को मिलेगा बेकी लिंच वर्सेस लेसी एवंस फॉर रॉ वुमेन चैंपियनशिप। तो इस मैच में मैं करता हूँ प्रेडिक्ट बेकी लिंच को कि इस मैच में लेसी एवंस नाकाम रहेंगी बेकी लिंच को हराने में, और कर लेंगी बेकी लिंच इस मैच में अपनी चैंपियनशिप रिटेन। तब बात करते हैं बड़े मैच की, और ये बड़ा मैच है शेन मैकमैन वर्सेस द मिज, और ये मैच एक तरह से स्टील केज मैच। तो स्टील केज मैच WWE में बहुत ही लंबे टाइम बाद देखने को मिल रहा है, और ये देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक पेपर व्यू में। और इस मैच के विनर को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि WWE यहाँ पर जिस तरह से चला रही है स्टोरीलाइन इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में, वो वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन से पूछे तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस मैच में हमारी जीत हो द मिज की, यहाँ पर द मिज हरा दें शेन मैकमैन को इतने बड़े स्टील केज मैच में। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, और ये मैच है रोमन रिंग्स वर्सेस एलियास। तो इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन होगी रोमन रिंग्स के साथ कि वो हरा देंगे एलियास को इस मैच में। पढ़ते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, और ये मैच आता है 205 लाइव से, और ये है आर्य डिवारी वर्सेस टोनी नीज। तो इस मैच में देखने को मिल सकती है जीत टोनी नीज की, मतलब वो अपनी चैंपियनशिप कर लेंगे रिटेन। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, और ये मैच है रे मिस्टीरियो वर्सेस समोआ जो फॉर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। और ये भी मैच देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि WWE जिस तरह से चला रही है इस मैच की स्टोरीलाइन को, क्योंकि समोआ जो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं वर्बली रे मिस्टीरियो को। लेकिन अगर आप पूछते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन से, तो मैं इस मैच में चाहता हूँ कि रे मिस्टीरियो जीते, मतलब वो बन जाए इस मैच में यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, और इस मैच के बाद वो बन जाएंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और हमारा नेक्स्ट मैच आता है फॉर WWE हैवीवेट चैंपियनशिप, और ये मैच है कॉफी किंगस्टन वर्सेस केविन ओवंस। तो ऐसे सबको पता है कि WWE इस मैच की स्टोरीलाइन बहुत ही खतरनाक चला रही है। तो इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा इस मैच में, कि क्या यहाँ पर केविन ओवंस बन जाएंगे न्यू WWE चैंपियन। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से और यहाँ पर बैटिंग ओड्स के अकॉर्डिंग इस मैच में देखने को मिलेगी जीत कॉफी किंगस्टन की, कि यहाँ पर कॉफी किंगस्टन हरा दें केविन ओवंस को, कर लें अपनी चैंपियनशिप रिटेन। क्योंकि WWE के पास अभी कोई भी प्लान नहीं है कि यहाँ पर कॉफी किंगस्टन की चैंपियनशिप को कराई जाए रिप्लेस। तो अब बात करते हैं बड़े मैच की एक और, और ये बड़ा मैच है वुमेन्स का मनी द बैंक लैडर मैच। तो ऐसे में सबको पता है कि मैं 8 फीमेल सुपरस्टार्स रिवील होती देखने को मिल गई हैं इस लैडर मैच के लिए, और ये 8 फीमेल सुपरस्टार्स हैं रॉ में से तो हैं एलेक्सा ब्लिस, नटालिया, डेना ब्रुक और नियोमी, और अगर हम देखें स्मैकडाउन लाइव से तो यहाँ पर स्मैकडाउन लाइव से तो हैं मैंडी रोज, कार्मेला, एम्बर मून और बेली। तो बड़ा सवाल ये है कि कौन बनेगा इस बार मिस मनी इन द बैंक लैडर मैच विनर। तो इस मैच में मैं करता हूँ प्रेडिक्ट डेना ब्रुक को, क्योंकि WWE यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टेड लग रही है डेना ब्रुक को पुश देने के लिए। तो हो सकता है कि वो पुश उन्हें जितवा दे मनी द बैंक वुमेन्स का लैडर मैच। तो हम बात करने वाले हैं मेंस के लैडर मैच की, और इसके भी सभी पार्टिसिपेंट्स रिवील हो चुके हैं। तो रॉ में से तो हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, बैरन कॉर्बिन, रिकोशे और ड्रू मैकइंटायर, और अगर हम देखें स्मैकडाउन लाइव से तो वो हैं अंद्रादे, फिन बैलर, रैंडी ऑर्टन और आली। तो ये भी बहुत देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर कौन बनेगा इस बार मिस्टर मनी द बैंक 2019। जैसे हम सबको पता है कि पिछली बार यहाँ पर जीत हुई थी ब्रॉन स्ट्रोमन की, तो ये बात सुनने के बाद इसके बाद के चांसेस कम हो जाते हैं कि यहाँ पर इस बार भी वो जीतेंगे। तो मतलब इस मैच में मैं यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन को पिक नहीं कर रहा एज ए विनर्स की लिस्ट में। तो कौन होगा ब्रॉन स्ट्रोमन के अलावा इस मैच में विनर? तो इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक हमें देखने को मिलेगी ड्रू मैकइंटायर की जीत, कि यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर बन जाएंगे मिस्टर मनी इन द बैंक 2019। क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि ड्रू मैकइंटायर को मिला हुआ है विंस मैकमैन के द्वारा बहुत ही तगड़ा पुश, और ये पुश उन्हें जितवा सकता है मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट इस साल का। तो ये थे वो कुछ मैचेस जो यहाँ पर अभी तक कंफर्म हुए हैं जो हमें देखने को मिलेंगे मनी इन द बैंक पेपर व्यू में। तो आप मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बताएं कि यहाँ पर आपके मुताबिक कौन कौन जीतेगा मेंस के और वुमेन्स के लैडर मैचेस। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी तो लाइक करें, और WWE की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को दबा दें।